वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9। मैं उठ के नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और मैं 1 घंटे पहले उठा था। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ बैंड्रा के लिए। मेरा एक सेशन है, कैंपेन है, बेसिकली ऐड नहीं है। ऐड कैंपेन का मतलब ये होता है जब एक ही सीरीज़ के 5 से 6 एड्स होते हैं और वो आप सारे एड्स बनाते हैं। उसमें एक थीम म्यूज़िक होता है जो कंटिन्यू होता है हर उसमें, लेकिन हर फिल्म में एक, सपोज 6 फिल्म्स हैं, हर फिल्म में अलग वाइब होगा उस म्यूज़िक का, एक अलग वेरिएशन होगा, तो उसको बोलते हैं कैंपेन। और जब हम फिल्म करते हैं कोई ऐड की फिल्म, तो वो सिंगल, कभी कभी सिंगल फिल्म भी होती है। एनीवे, इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अपने सेशन के लिए। नीचे वैसे मैंने कुछ खाया नहीं अभी, बट अभी मैं आई थिंक स्टूडियो जाके ही खाऊँगा पीऊँगा। तेरी तो तेरी सिली मेरी सुली सुली बली अभी 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 यश यश अच्छा चल ओ तेरी तो हॉट टाइम यहाँ पे लग चुका है मेरा सेटअप। ये है हमारे आज के इंजीनियर भाई साहब, भैया स्टूडियो टॉनिक साउंड फैक्ट्री। एजेंसी से मेरी ब्रीफिंग कॉल हो चुकी है और फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने खाने का। सैंडविचेस मंगवाए थे, खा के फिर शुरू करेंगे आज का सेशन। जिस ब्रांड के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है हेवल्स, जिसके साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ। इंजन डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनका नाम है श्लोक, वो इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एन अमेजिंग ह्यूमन बींग। सब मज़ा आ जाता है उनके साथ काम करके। थैंक यू। आज है मंडे और अभी को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। 2-3 दिन आना है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। कुछ नए टीम मेंबर्स आ गए, आज से जॉइनिंग है, तो हैव टू बी हियर टू हेल्प देम। तो बस आज सुरभि दीदी और हिमांशु जी जो वापस आ रहे हैं अपनी ट्रिप से, तो दोपहर को नहीं शाम को उनसे मिलूंगी। और मेघा वगैरह ने उनको बुलाया डिनर पे, तो वहाँ जाएंगे, मस्ती करेंगे थोड़ी सी। मैं आपसे जल्दी मिल रही हूँ आज। मैं गई थी यूनिवर्सिटी बट मुझे कॉल आया अभी के स्कूल से दैट ही इज़ नॉट वेल। पता नहीं क्या होता है, अर्जुना जाते हैं उसके बाद वो बीमार पड़ता है। खांसी तो उसको लगी हुई थी बट अभी वो बोल रहे कि सर दर्द हो रहा है उसको। तो मैं जाके उसको पिक करूँगी। सुबह दीदी आ गई हैं, मुझे वापस से ज्वाइन करना है ऑफिस, 3 बजे मेरी मीटिंग है, तो फटाफट बस उसको लेके आई विल एंजॉय। Look who's back! Abhi, who's that? He-Man, high five! Reverse high five! Whose shoes are these? अपने जूते पहन के आओ, we have to go. हाँ जी, तो वक्त हो रहा है ऐसा में कुछ लगभग 1:30 बज रहे हैं। मेरी लाइव म्यूजिशन सभी आने वाले हैं। जो बेसिक स्केलेटन होता है ट्रैक का वो मैंने बना लिया, अब इसके ऊपर हम लाइव एलिमेंट्स डाल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल एक चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये हमारे बहुत ही कमाल के म्यूजिशियन आ चुके हैं जी, फेमसली लाइक नोन फॉर हिज ग्रीन वायलिन। ये देखिए, अभी हम लाइव करने वाले कुछ रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। ये लिखेंगे अपने, जैसे मैं उनको बताऊँगा जो धुन बताऊंगा वो यहाँ लिखेंगे फिर बजाएंगे। जी जी जी, एक बार सुनते हैं।
सेकंड वाला है ना, वो जो ग्लिसेंडो है ना थोड़ा स्मूथ। पूरा कर दो कि नहीं, नहीं सेकंड वाला अच्छा है बहुत। क्या होता है ट्रैक बंद हो जाता है? आप बजाना लेकिन। अच्छा अच्छा, तो जीतू जी इसका जो मेलोडी का ना वो शुरू में ब्रेक्स में बजाती है एक एक दो दोनों को सिंक करके देखते हैं कौन सा मेलोडी निकलता है। जी जी जी, है ना, एक बार देखना भाई। बॉक्स ऑफ वर्किंग इन द स्टूडियो इसकी हर 20 मिनट पे बंदा आ जाता है सर क्या खाएंगे। तो अभी हमने अभी मैंने प्रॉन करी और कुछ ऑर्डर किया खाने के, उसके बाद दही पूड़ी, सेव पूड़ी, सूखा पूड़ी सब आ रहा है, सब खाएंगे अभी। कैंपेन का फर्स्ट फिल्म मेरा हो चुका है ख़त्म, मैंने कर लिया पैकअप। मेरा बस एक कीबोर्ड और कुछ स्टूडियो का सामान इधर ही रहेगा क्योंकि कल मेरे को फिर यहाँ आना है। बाकी लैपटॉप मैंने पैक कर लिया जो मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। जनरली यहाँ पे ओवरनाइट भी काम चलता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रुक के दूसरी फिल्म ख़त्म करके भी जा सकता हूँ, बट मैंने अपना रूटीन थोड़ा उस हिसाब से रखा हुआ आजकल की एक फिल्म किया उसके बाद रात को घर जाके सोऊंगा, नेक्स्ट डे अगली फिल्म करूँगा क्योंकि स्टूडियो एनीवे दो दिन के लिए हमारे पास है। अर्लियर अगर मैं पहले वाला अर्जुना होता तो अभी तीन फिल्में रात को और उड़ा रहा होता मैं, बट वही थोड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। फिलहाल चलते हैं एक कॉफ़ी पी के फिर निकलता हूँ मैं। वैसे ओल्ड गैंग रियूनियन हो रखा है, ये मेरा फ्रेंड निनाद, शुभम शिरुले, तो उजी गैंग फ्रॉम। आ चुकी है मेरी गाड़ी, लिटिल बिट ऑफ टीवी, दैट्स व्हाई योर आईज आर लिटिल बिट रेड। ओके, और तुम लोग इसको लेके जा रहे हो अभी कि कैंसिल हो गया? जा रहे हो? आपको लगता है कि ये कैंसिल करना? मैंने कहा मैं इससे पूछूं कि नहीं, कीचू Are you excited to eat waffles? Yeah. Are you brushing twice a day? Are you brushing your teeth twice a day? Just a little bit. आ चुका हूँ मैं अपने स्टूडियो में, 10 मिनट रिलैक्स कर रहा हूँ अभी। मैंने कुछ ऑर्डर किया है, एक प्रोटीन शेक अपने लिए, क्योंकि मेरा आज प्रोटीन इनटेक हुआ नहीं है, तो एटलीस्ट मैंने सोचा 30 ग्राम प्रोटीन तो जाए अंदर। बाकी खाने पीने का हिसाब किताब ना मेरा थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पे जब लंच टाइम होता है तब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। मैं अभी भी यूके के टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ। आज मैंने इधर के लंच टाइम के हिसाब से, मतलब डिनर के टाइम के हिसाब से, मैंने बहुत पहले डिनर कर लिया, मतलब यहाँ के हिसाब से मैंने 6:30 खा लिया था। तो मुझे ये था कि अब तो 12 बजने वाले हैं, अब मेरे को फिर भूख लग जाएगी और सोऊंगा अभी मैं नहीं क्योंकि मैं स्टूडियो आया हूँ अपने। यहाँ पर मेरे को एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि उसका प्रेप करना है, प्रेप करके फिर मैं सुबह आराम से 12 बजे स्टूडियो पहुंचूंगा एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग। कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे होते हैं तो। और हाँ यार, इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको नहीं बताई, तो शुभम जिससे मैं आज मिलवा रहा था आपको, तो कुछ साल पहले जब मैं बॉम्बे में था तो एक मेरी टीम थी असिस्टेंट्स की, उसमें शुभम भी था और एक और बहुत अच्छा म्यूजिशियन था वेल जॉन, एक म्यूजिशियन को तो आप देख चुके हो मेरे साथ कितनी बार, अनुभव, ऐसे करके और बहुत सारे लोग भी थे, बट शुभम को देख के आज मुझे इतना अच्छा लगा। और वेल जॉन इज़ ऑल्सो डूइंग सो वेल, मैं सुनता हूँ इंडस्ट्री में कि यू नो एवरी डे ही इज़ डूइंग 1 सेशन और 4 सेशन 5 सेशन जो भी है, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्योंकि आज मैं जिस स्टूडियो में था वहाँ पे एक टाइम पे वो मेरे साथ जाता था एज असिस्टेंट, आज ऐसा हुआ कि एक स्टूडियो में उसका काम चल रहा था, एक स्टूडियो में मेरा, तो उसकी सक्सेस देख के आई फेल्ट प्राउड कि कहीं ना कहीं मेरी ही एक ब्रांच है जो सक्सेसफुल हो गई है, फेल्ट कि यार मेरे लोग पर बढ़ रहे हैं, तो इतना मेरे को अच्छा महसूस होना, जस्ट मेड मी फील हाउ सक्सेसफुल आई एम। जब हम स्टूडियोज़ में ऐसी जगह काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्टूडियो नहीं होता, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रूम्स बने होते हैं अलग अलग, वहाँ पे 4 अलग अलग प्रोडक्शन है उसका, 4 अलग अलग कंपोजर्स म्यूज़िक बना रहे हैं, बट देन फिर वो लंच टाइम पे सब बाहर आते हैं, कोई कॉफ़ी ब्रेक के लिए आ रहा है, कोई टी ब्रेक के लिए आ रहा है, कोई वैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बाहर आ रहा है, तो आप देखते हो एक दूसरे को, आप मिलते हो और फिर बातें होती हैं, अरे भाई कब आए, कहाँ थे। तो शुभम ऑल्सो आई मेट हिम टुडे आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था तो मैं मिल नहीं पाया था उससे,
निनाद जो मेरा इंजीनियर है, जिसका तो आप काम सुन ही चुके हैं, जिक्र है, और बाकी जितने भी पुराने मेरे सॉन्ग्स हैं वो सब निनाद ने मिक्स किए हैं, मास्टर किए हैं. उसके भी स्टूडियो जाना है मुझे. सो आई फील सो गुड दैट एवरीवन इज़ डूइंग सो वेल. अब मैं लगा लेता हूँ अपना सेटअप वापस, क्योंकि इधर से मैं अपना सेटअप निकाल के लेके गया था स्टूडियो में. और मैं जानता हूँ कि ये सब स्टूडियो वूडियो की बातें सुन के आप काफ़ी बोर हो रहे होगे, बट यार मेरी ज़िंदगी यही है. और एज अ म्यूजिशियन ये वाली जो लाइफ है मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही एक्साइटिंग है. बट एक जो नॉर्मली जो लोग म्यूज़िक में नहीं है फील्ड में, उनको लगता है वो क्या बातें कर रहे हैं सेशन में. आज मैं दिव्या को बता रहा था कि मैं आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव हैड सच यू नो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस विद ऑडियो फाइल्स. पीपल हु आर लाइक यू नो कि अच्छा ये वाला रिवर्ब है, उसमें ये वाला डीके सेटिंग ऐसा कर दोगे तो ये साउंड आएगा. तो पहले मेरी लाइफ यही होती थी कि भाई वो वाला सिंथ लेना है, वो यूज़ किया क्या, रिव्यूज़ ले रहे हैं. मतलब आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें यही बातें हो रही हैं कि कौन क्या नया आया है, कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये यूज़ करने से ये होगा. अपने एक्सपेरिमेंट्स हम शेयर करते थे. तो वो बहुत सालों के बाद आज मुझे लगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो वैसे सब कुछ रिमोट हो गया था. तो ऐसा लग रहा है इतने टाइम के बाद मैंने किसी से टेक्निकल बात की है म्यूज़िक के बारे में. तो आई जस्ट फेल्ट सो गुड एट दैट टाइम. मुझे अपनी खुद की नज़र लग जाएगी. एनी वे, गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग, मैं भूल गया. अब मैं अपना सेटअप लगा लेता हूँ, एक प्रेप करना है, उसके बाद फिर सोएंगे और सुबह उठ के वापस भागेंगे, सेम रूटीन.